गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आज की इस वीडियो में जो हम लोग पोएम पढ़ेंगे उसका टाइटल है नाइटिंगेल्स, जिसको कंपोज किए हैं रॉबर्ट बेजेस। तो इस पोएम को पढ़ने से पहले आइए इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। इस कविता में कवि प्रसन्नचित्त व मीठे स्वर में चहचहाती हुई बुलबुलों को देखता है। कवि उन बुलबुलों से जानना चाहता है कि वे इतना आनंदमय व मीठा संगीत किस सुंदर स्थान से लेकर के आई हैं। तो बुलबुलें उत्तर देती हैं कि उनकी प्रसन्नता व मीठा गीत किसी स्थान से नहीं लाया गया है, वह तो उनके हृदय की पीड़ा से उत्पन्न हुआ है। तो आइए इसको बेहतर तरीके से पोयम के माध्यम से समझते हैं। ब्यूटिफुल मस्ट बी द माउंटेन्स वैंस ए कम, यहाँ एक शब्द दिया है ए का मतलब हो जाएगा यो। तो कभी कहता है कि ब्यूटिफुल मस्ट बी द माउंटेन्स, वे पहाड़ अवश्य ही सुंदर होने चाहिए या अवश्य ही सुंदर होंगे। वैंस मतलब जहां से, ए का मतलब यू कम, जहां से तुम आती हो। कभी बुलबुल से कहता है कि जहां से तुम आती हो वे पहाड़ अवश्य ही सुंदर होंगे। एंड ब्राइट इन द फ्रूटफुल वैलीज द स्ट्रीम्स, एंड ब्राइट मतलब उज्जवल, इन द फ्रूटफुल मतलब फलों से लदी हुई, वैलीज मतलब घाटियां, स्ट्रीम्स मतलब जल धाराएं, उन फलों से लदी हुई घाटियों में जो जल धाराएं हैं वह अवश्य ही ब्राइट मतलब उज्जवल होंगी। वेयर फ्रॉम मतलब जहां से, ये लर्न योर सॉन्ग, ये का मतलब हो जाएगा यू, यू लर्न योर सॉन्ग, जहां से तुमने अपना गीत सीखा है। वेयर आर दोज स्टारी वुड्स, वे स्टारी मतलब तारों से भरे हुए, वुड्स मतलब जंगल, वे तारों से भरे हुए जंगल कहाँ हैं। ओ माई टाइवेंडर देयर, वेंडर का मतलब होता है घूमना। तो कभी कहता है कि ओ माइट आई वेंडर देयर, काश मैं वहां पे घूम सका होता। एमंग द फ्लावर्स विच इन द हेवनली एयर, आगे कभी कहता है कि एमंग द फ्लावर्स विच इन द हेवनली एयर ब्लूम द ईयर लॉन्ग, एमंग द फ्लावर्स उन फूलों के बीच में घूम पाता, विच इन द हेवनली एयर जो उस स्वर्ग के समान हवा में, ब्लू मतलब खिलते हैं, द ईयर लॉन्ग मतलब पूरे वर्ष। यहां से इसका अर्थ देखते हैं। कभी कहता है कि ओ मैं वहां पर टहल सका होता उन फूलों के बीच जो पूरे वर्ष भर स्वर्ग के समान हवा में खिलते हैं। यहां से बुलबुल जो है वह कवि को कहती है कि नी मतलब नहीं, बैरन आर दोज माउंटेन्स, बैरन का मतलब हो जाएगा बंजर, बैरन आर दोज माउंटेन्स वे पर्वत बैरन हो चुके हैं मतलब उजड़ गए हैं। एंड स्पेंट द स्ट्रीम्स, और वहां की जो जल धाराएं हैं वह स्पेंट चली गई हैं या सूख चुकी हैं। आवर सॉन्ग इज द वॉइस ऑफ डिजायर, हमारी जो गीत है इज द वॉइस ऑफ डिजायर, वह हमारी इच्छा की पुकार है। दैट्स हंट्स आवर ड्रीम्स, हंट्स का मतलब होता है घूमना, आवर ड्रीम्स जो हमारे सपनों में घूमती रहती है। अ थ्रो ऑफ द हार्ट, थ्रो का मतलब दर्द, हार्ट मतलब दिल, जो हमारे दिल का एक दर्द है। हुज मतलब जिसकी, पीनिंग मतलब कष्ट देने वाली, विजन्स मतलब दृष्टि, डी मतलब धुंधली हो गई है। हमारे दिल का एक दर्द है जिसकी कष्ट देने वाली दृष्टि धूमिल हो गई है। फॉरबिडन मतलब मना किया गया, होप्स मतलब आशाएं, प्रोफाउंड मतलब गंभीर रूप से, और हमें उन आशाओं के बारे में सोचना गंभीर रूप से मना है। नो डाइंग कैडेंस नॉर लॉन्ग साई कैन साउंड फॉर ऑल आवर आर्ट, नो मतलब कोई नहीं, डाइंग कैडेंस मरती हुई, कैडेंस मतलब संगीत या फिर कोई भी वेदना, नॉर लॉन्ग साई और ना ही बहुत तेजी से सिसकना, कैन साउंड, साउंड का मतलब हो जाएगा ध्वनि, फॉर ऑल आवर आर्ट हमारी संपूर्ण कौशल। बुलबुल कहती है कि हमारा संपूर्ण कौशल भी हमारे गीत के दर्द तथा
उस लंबे विश्वास के रहस्य को नहीं बता सकता। एलोन अलाउड इन द रैप्चर्ड ईयर ऑफ मैन वी पोर आवर डार्क नेचुरल सीक्रेट। एलोन मतलब अकेले, अलाउड मतलब पूरी ध्वनि से, इन द रैप्चर्ड ईयर ऑफ मनुष्य के आनंदित कानों में, वी पोर हम लोग उड़ेल देते हैं, आवर मतलब हमारे, डार्क मतलब गहरे, नेचुरल मतलब रात्रि के, सीक्रेट मतलब रहस्य। हम लोग रात्रि के गहरे रहस्य को मनुष्य के आनंदित कानों में ऊंची ध्वनि के साथ उड़ेल देते हैं। एंड देन और फिर उसके बाद, एज नाइट इज विथड्रॉन, जैसे ही रात हटती है, फ्रॉम द स्वीट स्प्रिंगिंग मिट्स एंड बस्टिंग बॉक्स ऑफ मे, कहते हैं कि जैसे ही रात, मे मतलब मई के, बर्स्टिंग बॉक्स मतलब फूलों से लदी हुई टहनियों से, तथा मधुर बसंत के घास के मैदानों से, जैसे ही रात हटती है, ड्रीम मतलब हम लोग स्वप्न में चले जाते हैं, व्हाइल द इनमरेबल क्वायर ऑफ डे वेलकम द डॉन, और जब असंख्य क्वायर मतलब पक्षियों का स्वर या पक्षियों का गान, आप डे वेलकम मतलब दिन का स्वागत करता है, द डॉन मतलब प्रभात काल, जब असंख्य प्रकार के पक्षियों का गीत प्रातः काल का स्वागत करता है, तो हम लोग स्वप्न में डूब जाती हैं।